सब बकवास है सर छूटा ये उस भावना ने मुझे फंसाया है। भैया हम जानते हैं, हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन भैया ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज आपके खिलाफ हो गए। वो सब किसी न किसी बात को लेकर भैया से नाराज है। कल भावना को आपने इतना बेइज्जत कर दिया, उसने गुस्से में आकर आपकी इज्जत उछाल दी। पिछले 40 सालों में रावत इंडस्ट्रीज के किसी भी एम्प्लॉय पे कभी भी किसी ने ऐसा घिनौना इल्जाम नहीं लगाया। हम जानते हैं सुरेश कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हारे बदले हुए रवैये की वजह से तुम्हारे कितने सारे नए दुश्मन बने। डैड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पता है और ये चीज मैं साबित करके रहूंगा। उस लड़की का झूठ मैं सबके सामने ला कर रहूंगा। उसे पंगा लेकर उसने अच्छा नहीं किया। सुरेश जल्दबाजी में कोई कदम मत उठा, सकता उससे और भी नुकसान होना चाहता। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सब तो कल का हिस्सा है। जब तुम कल रात को घर पे है तो तुमने हमें इसके बारे में कुछ बताया क्या? तो हमसे कंसल्ट कर सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे, हम लोग किसी वकील से बात करते हैं, जरूरत पड़ती तो इस लड़की से भी बात कर सकते। लेकिन किस लिए डैड, जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं डरूं क्यों? देखिए आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? मुझे पता मुझे क्या करना, मैं वो कर लूंगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। आप एक लड़की के बयान पे मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको मेरी भी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए आपको, लेकिन हमारे पास एफ आई आर में तीन गवाहों के बयान की मिस्टर रावत तो किसी को भी अरेस्ट करने के लिए काफी। आप चाहें तो अपने वकील से इस बात के लिए जमानत की कार्रवाई शुरू करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ कमिश्नर चलिए। एक मिनट मैं वकील से बात कर लूँ। आप हमारे साथ कमिश्नर चलिए मिस्टर रावत। एक्चुअली मेरी जो सीनियर जूनियर मैनेजर है रावत टेक्सटाइल्स की, उसने मुझ पर एलिगेशंस लगाए हैं कि मैंने उसको अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश की है, एंड जो कि फॉल्स हैं, क्योंकि उसने मेरी चाय में कुछ मिलाया था, मुझे बेहोश कर दिया था, और जब मैं उठा तो पूरी पब्लिक मेरे सामने थी, ऑफिस के पूरे कलीग स्टाफ सामने था, और वही अब उसने जाके मीडिया में बोल दिया है कि मैंने ऐसे कोशिश की है करने की, जो कि बिल्कुल इरीटेटिंग और सुरेश के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और साथ ही साथ फाल्गुनी ने स्टेटमेंट दी है कि आप जिस पे शक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी ऐसा था ही नहीं और ना हो सकता है, क्योंकि हमेशा वो लड़कियों की इज्जत करता आया अभी तक। लेकिन अब 7 साल बाद फाल्गुनी से मेरी बात नहीं हुई और 7 साल बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिए, तो थोड़ा और ज़्यादा शौक में आ गया सुरेश कि ये स्टेटमेंट 7 साल बाद वो कैसे दे रही है। हाँ, मैंने यही बोला कि उस लड़की की जो सच्चाई है मैं सबके सामने लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसने एकदम झूठ बोला है और जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वही कोशिश है कि वो सच बोल दे सबके सामने तो बेटर होगा। Hi, this is Divyanka Tripathi. Hi, this is Aneri Bajani. Hi, this is me, Jagyasa Singh. Hi guys, this is Kushal Tandon. Hi, this is Sonal Bengulekar. Hi, this is Ali Goni. And you're watching Telly Soap. And you guys are watching Telly Soap. Keep watching your favorite channel, Telly Soap. Keep watching Telly Soap. You are watching Telly Soap. Please like, subscribe and comment on Telly Soap.